वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, एम आई ऑडिबल? जस्ट लेट मी नो, एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू शशांक, ऋषभ थैंक यू. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन. ओके आस्था, थैंक यू. ओके सो वंस अगेन, इज इट विजिबल टू यू गाइस? ओके, थैंक्स ऋषभ, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल. सो प्रोबेबली आई थिंक दिस इज द लास्ट लेक्चर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. देन इट्स टाइम टू फिनिश द सिलेबस एज वेल फ्रॉम माई एंड. आवर सम थियोरिटिकल पार्ट इज देयर दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड रेफरेंस मटेरियल टू यू गाइज ऑन थ्रू व्हाट्सएप. ओके, सो आई होप यू आर going through that study material as well. So anyways, let me start. There is only one topic is remaining with respect to this software testing, that is structural testing. Okay, तो अब तक हम पढ़ रहे थे functional testing और अब हम पढ़ रहे हैं structural testing, where functional testing was also known as black box testing and structural testing is also known as white box testing. Okay, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में डिफरेंस क्या है कि ब्लैक बॉक्स में हमें इनर प्रोसेस इनविजिबल रहती थी, वी आर नॉट सपोज टू चेक व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द स्क्रीन. बट इन टर्म्स ऑफ व्हाइट बॉक्स और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम. ओके, सो दैट इज मेंशन ओवर हियर एज वेल. अ कम्प्लीमेंट्री अप्रोच टू फंक्शनल टेस्टिंग इज कॉल्ड आइदर स्ट्रक्चरल और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. It permits us to examine the external structure of the program. So to implement structure testing, we have to follow path testing. Path testing का मतलब कि जैसे आप कोई भी प्रोग्राम है उसको आप किसी पाथ में या ग्राफ में कन्वर्ट कर दीजिए. ओके, सो दिस इज द आइडिया. पाथ टेस्टिंग इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ टेस्ट टेक्निक्स बेस्ड ऑन जुडिशली सेलेक्टिंग अ सेट ऑफ टेस्ट केसेस through the program. If the set of program is properly chosen, then it means that we have achieved some measure of test thoroughness. Simply idea sirf itna hai ki aapko apne program ko, jo bhi apne program develop kiya hai, code kiya hai, usko graphically represent karna hai. Theek hai, to jab aap usko kar lete hain to aapke ek structure ban jata hai. Us structure par from one node to another node, उसको जो हम रीच करेंगे इधर से मूव करेंगे, दैट इज टू आइडेंटिफाई द ऑप्टिमम रूट, दैट इज नोन एज पाथ. ओके, तो एक डायग्राम मैं आपको दिखा दूं इसके रिस्पेक्ट में. मीनवाइल लाइक दिस, सम फ्लो ग्राफ आर आल्सो कंसीडर्ड एज बेसिक कंस्ट्रक्ट्स. द कंट्रोल फ्लो प्रोग्राम कैन बी एनालाइज यूजिंग अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नोन एज अ फ्लो ग्राफ. द फ्लो ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ इन विच नोड्स आर आइदर एंटायर स्टेटमेंट्स और फ्रेगमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड एजेस रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ कंट्रोल. सो दीज आर द प्री डिफाइंड नोटेशंस फॉर सीक्वेंस, इफ देन एल्स, व्हाइल लूप, रिपीट अंटिल लूप एंड स्विच स्टेटमेंट्स. सो आइदर यू कैन टेक अ स्नैपशॉट और यू आर हैविंग दिस पीडीएफ एज वेल. ओके, सो नो नीड टू वेस्ट टू मच टाइम ऑन दैट. यस, लुक एट दिस प्रोग्राम. तो देखिए, अब प्रोग्राम की बेसिस पर आपसे ग्राफ बनवाया जाए ये मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि टाइम कम है और ऑफलाइन मोड तो है नहीं, ऑनलाइन मोड है, तो उसमें आप ग्राफ बनाएंगे कैसे, है ना? तो दैट इज क्वाइट ट्रिकी. सो हाउएवर, हम एक बेसिक फ्लेवर जरूर देख लेते हैं कि मान लीजिए ये एक प्रीवियस डेट का जो एग्जाम्पल था उसी का ये प्रोग्राम है. सो यू कैन चेक दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज लाइक हैविंग This much line, 87 lines are there. Okay, तो अब इन 87 lines को हमने इस तरह से represent किया हुआ है. आप देखें इसमें, मैं इसको थोड़ा सा और enlarge करने की कोशिश करता हूँ. Yes, okay. Now check node 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक और even 10 तक. ये 9 तक तो हमारा सब sequence में जा रहा था. Now check the node number 10. अब 10 से देखिए, this is like a decision node. यानी कि यहाँ पर कुछ if statement या switch case ऐसा कुछ लगा हुआ होगा. कैसे पता लग रहा है? क्योंकि 10 से या तो हम 11 पे जा सकते हैं,
या 44 पे जा सकते हैं, ये विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को, अगर नहीं भी हो रहा है तो ये स्लाइड नंबर नोट कर लीजिए 111, और लेक्चर के बाद आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको और एनलार्ज कर दिया है, देखें जरा, जस्ट वेट। यस, फ्रॉम नोड नंबर 10 यू कैन आइदर मूव टुवर्ड्स नोड नंबर 11 और नोड नंबर 44, चेक इट आउट हियर एज वेल। ओके, सो दिस इज नोन एज डिसीजन नोड। तो ध्यान रखिएगा, डिसीजन नोड को हम सेपरेटली शो करते हैं, जैसे कि 1 से लेकर के 9 तक एक साथ लिखे हुए थे और 10 अलग था, तो उसके पीछे रीजन यही था, देखें आप। ठीक है, तो हालांकि ये मुझे लगता नहीं कि ये सर आपको ड्रॉ कराने के लिए आएगा, लेकिन इसके बेसिस पर आपसे इंडिपेंडेंट पाथ जरूर पूछा जा सकता है ना, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ ग्राफ को देखना होता है, देख करके आपके आंसर लिखने होंगे। तो अब इंडिपेंडेंट पाथ बनाने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, फ्लो ग्राफ से डीडी पाथ ग्राफ आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो ये तो इस तरह का एक फ्लो ग्राफ हो गया। अब इसके बेसिस पर आपको डीडी पाथ ग्राफ बनाना चाहिए। डीडी का मतलब डिसीजन टू डिसीजन और डिसीजन नोड टू डिसीजन नोड। ओके, तो जरा इसमें देखें आप, जस्ट अ क्विक रिव्यू, 1 to n, वन सॉरी 1 to 9, देखिए ऑल दैट करता हूं उसको। लुक एट ओवर हियर, सो 1 to 9, 1 to 9 पे क्या, देयर इज अ सीक्वेंशियल फ्लो फ्रॉम नोड 1 to 9। नंबर 10 ये अलग था, क्यों अलग था, क्योंकि ये डिसीजन नोड था। देखिए मेंशन है डिसीजन नोड, इफ ट्रू गो टू 13 और एल्स गो टू 44। सिमिलरली 11, इफ ट्रू देन गो टू 12 एल्स गो टू 19, इफ 12 डिसीजन नोड, इफ ट्रू गो टू 13 एल्स गो टू 50। तो यानी कि दो ऑप्शन जहां मिल रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया है, डिसीजन नोड, और जहां पर एक सीक्वेंस में चला चला रहा है उसको हम बोलेंगे सीक्वेंशियल नोड। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए हमारे इंटरमीडिएट नोड भी हैं, विद वन इनपुट एज एंड अदर वन आउटपुट एज। अब इंटरमीडिएट नोड क्या है, 20, उसको देख लेते हैं 20 कैसे हो गई है। ये देखिए, लेट मी एनलार्ज, लुक एट दिस नोट। अब देखिए 20 इंटरमीडिएट नोट कैसे होगी, क्योंकि 20 से पहले भी डिसीजन नोट है और 20 के बाद भी डिसीजन नोट है, देखें आप, है ना। 20 से पहले है 19, 19 पर दो ऑप्शन हो सकते थे, या तो 20 या 37, और 20 के बाद 21, वंस अगेन दिस इज डिसीजन नोट, क्योंकि 21 से या तो 22 या 27 इस पर हम मूव कर सकते थे। तो दो डिसीजन नोट के बीच में जो नोट होगी दैट विल बी नोन एज इंटरमीडिएट नोट्स। ओके, ये नॉमेनक्लेचर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, शायद इस पर वन मार्क क्वेश्चन आ जाए, ये ध्यान रखना है बस। सो आई एम रिपीटिंग, अ पर्टिकुलर नोड व्हिच इज लाइंग इन बिटवीन टू डिसीजन नोड्स दैट विल बी नोन एज इंटरमीडिएट नोड। ओके, तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लो ग्राफ वी कैन ड्रॉ डीडी पाथ ग्राफ, और वो डीडी पाथ ग्राफ कुछ होगा इस तरह का। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखिए 1 से लेकर के 9 क्योंकि सब सीक्वेंस में चल रहे थे इसलिए उनको सम अप करके कोई अल्फाबेट करेक्टर दे दिया गया, जैसे ए। अब देखिए आप, मैं इसको और एनलार्ज कर दूं, या यहाँ पर N1 का नाम दे दिया हुआ है ना, तो अलग अलग एग्जाम्पल पर, किसी में ए है किसी पे कुछ है। ये देखिए जितने भी डिसीजन नोट थे वो सेपरेट रहेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो आई वंस अगेन आई डाउट कि ये भी आपको ड्रॉ कराने के लिए आएगा, तो ये भी बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसके बेसिस पर आपसे इंडिपेंडेंट पाथ पूछे जा सकते हैं कि भाई जैसे ये डायग्राम आपको दे दिया क्वेश्चन पेपर में और इसमें पूछा कि ट्राई टू आइडेंटिफाई वेरियस डिसीजन पाथ। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको इसका एक्चुअल मेथड बताता हूँ, फिर बताऊंगा इसका शॉर्टकट। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट क्या है वो एक अलग टेक्निक ही है, तो जो भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो है इसका एक्चुअल मेथड, लाइक दिस, कि आपको रूट नोड से लेकर के जो भी लास्ट नोड है वहां तक ट्रेवर्स कर रहा है। ध्यान से सुनते चलेंगे, जो लोग सब सुन रहे हैं समझते चलिएगा कि मुझे इंडिपेंडेंट पाथ आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा, स्टार्टिंग नोड से एंड नोड तक ट्रेवर्स करना है। ठीक है, लेकिन गलती से भी ये मत सोचिएगा कि मुझे सारे पॉसिबल वे आइडेंटिफाई कर रहे हैं,
कि मान लीजिए एज वन से लेकर के फॉर एग्जांपल 37 होते हैं यहाँ पर, है ना। तो वन से लेकर के 37 पहुंचने के पॉसिबल वेज आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं कहा गया है, आपको वन से लेकर के 37 तक तो पहुंचना है, लेकिन ऐसे पहुंचना है कि हर बार आपको एक नया डिसीजन नोड कवर करना हो, गेटिंग इट। अदरवाइज तो ऐसे ऑप्शन तो बहुत सारे मिल जाएंगे रास्ता एक वन से लेकर के 37 पहुंचने के, वो नहीं आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। मुझे ऐसे देखना है कि हर बार मुझे कोई नया डिसीजन नोड मिले, चाहे वो फिर मैं ट्रू को फॉलो करूं या फॉल्स को फॉलो करूं, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड को फॉलो करूं या राइट हैंड साइड को फॉलो करूं, तो हर बार कम से कम एक नया डिसीजन नोड जरूर आइडेंटिफाई हो। ओके, ये ध्यान रखिएगा। वंस अगेन मैं रिमाइंड कराता हूँ कि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे इस ग्राफ के स्टार्टिंग नोड के एंड नोड तक पहुंचने के ऑल पॉसिबल वेज आइडेंटिफाई करने। नो, दिस इज नॉट द केस। वी हैव टू आइडेंटिफाई द पाथ इन विच एटलीस्ट वन न्यू डिसीजन नोड विल बी आइडेंटिफाइड, आइदर ऑन ट्रू कंडीशन और फॉल्स कंडीशन। ओके, ये बात समझ में आ गई है सबके? जल्दी से रेस्पॉन्ड करिए। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी गाइस, समथिंग अर्जेंट। यस गाइस, आई एम बैक। सो ठीक है, आपने बस ये नोट कर लिया होगा कि ऑल पॉसिबल वेज फाइंड आउट नहीं करना है, हमें वो पॉसिबल वो वेज फाइंड आउट करना है जिन पर एक नया डिसीजन नोड हमको मिल रहा हो, चाहे वो ट्रू कंडीशन को फॉलो करके मिल रहा हो या फॉल्स को फॉलो करके। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए, ये इट्स लाइक है तो जरूरी, लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन मोड है तो आई डोंट थिंक कि इतना सब कुछ आपसे पूछा जाना चाहिए, है ना। अगर ऑफलाइन मोड होता तो ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कर रहे होते। नाउ लुक एट दिस कंडीशन, देखिए इस तरह का कोई क्वेश्चन हो सकता था। कंसिडर द प्रॉब्लम फॉर द डिटरमिनेशन नेचर ऑफ रूट्स, लाइक कोई पुराना क्वेश्चन है, 0 to 100, ए बी सी थ्री वेरिएबल्स, पॉसिबल आउटपुट्स आर देयर, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल रूट्स लाइक दिस। नाउ ड्रॉ द फ्लो ग्राफ एंड टी डी पाथ ग्राफ, ऑल्सो फाइंड इंडिपेंडेंट पाथ फ्रॉम द टी डी पाथ। अब ये ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट पाथ कैन बी फाइंड आउट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डी डी पाथ ग्राफ। फ्लो ग्राफ के बेसिस पर आप इंडिपेंडेंट पाथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, सो फॉर गेटिंग द इंडिपेंडेंट पाथ यू मस्ट हैव डीडी पाथ ग्राफ। तो देखिए ये प्रोग्राम गिवन होगा, सो टोटल 39 लाइंस आर देयर। तो अब आप चेक करें, वन से लेकर के टोटल 39 ही है, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एग्जिट नोड। दिस इज प्रोग्राम फ्लो ग्राफ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फ्लो ग्राफ वी आर सपोज टू ड्रॉ डीडी पाथ ग्राफ। अब देखिए, देखने में कुछ हद तक एक जैसे लग रहे होंगे, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम। वन से लेकर के 10 तक को क्लब किया हुआ है ए में, वेयर 11 इज बी। अब देखिए ये रिप्रेजेंटेशन इस टेबल में लिखा हुआ है, देखें 1 to 10 ए सीक्वेंशियल नोड, 11 डिसीजन नोड, दैट्स व्हाई इट इज सेपरेटेड, 12 इंटरमीडिएट नोड। अब 12 इंटरमीडिएट क्यों होंगे? क्योंकि 11 इससे पहले वाला वो भी डिसीजन होगा और 13 इसके बाद वाला डिसीजन होगा। कैसे? चेक कर लीजिए, देखिए लुक एट 12, मैं हाईलाइट कर उसको और ये देखिए 12 को देखें, ठीक है, इसलिए ये इंटरमीडिएट नोट है। देखिए 12 से पहले 11, ये एक डिसीजन नोट था क्योंकि 11 से 12 पे भी जा सकते थे और 17 पे जा सकते थे। 13 को देखिए, 13 भी वन सेकेंड डिसीजन नोट, बिकॉज वी कैन मूव आइदर 14 और एट 16, तो इन दोनों के बीच में क्या बचा? 12, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटरमीडिएट नोट। ओके, यस। तो चलिए ये हमारा एक डीडी पाथ ग्राफ, मान लीजिए चलिए कि यही क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है,
तो इस क्वेश्चन पर हमको ये पूछा जा सकता है कि इसमें इंडिपेंडेंट पाथ कितने हैं। तो अभी के लिए जो शॉर्टकट मेथड मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ आपको, उसको अगर मैं देखूँ तो आई कैन प्रेडिक्ट 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंडिपेंडेंट पाथ मिलेंगे इसमें। ठीक है, कैसे हो सकते हैं देख लेते हैं। लुक एट दिस, तो आप चाहे इसका स्नैपशॉट ले लीजिए जहाँ इंडिपेंडेंट पाथ लिखे हुए हैं। ये देखिए मैं हाईलाइट कर दूँ, दीज आर मैंशनिंग ओवर हीयर लाइक दिस। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था 7 होंगे और 7 ही है। कैसे कर लिया, वो एक शॉर्टकट मेथड है, उसकी हेल्प से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो जल्दी से इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, आई एम गोइंग टू एनलार्ज इट। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से थे। तो मैं भी लिख लूं शायद, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। ओके, आई हैव नोटेड, लुक एट दिस पर्टिकुलर ग्राफ। यस, नाउ इट इज कंप्लीटेड। अब देखिए, मुझे ए से लेकर के एस तक जाना है, लेकिन ऑल पॉसिबल वेज फाइंड आउट नहीं करना है, मुझे वो वेज फाइंड आउट करना है जहां पर मुझे एटलीस्ट वन न्यू डिसीजन नोड मिलेगा। तो देखिए पहला वाला क्या था, ए बी जी, लेट मी एनोटेट, ए बी जी O Q R S। ठीक है, तो पहले वाला आपको यही रूट मिला होगा। अब दूसरा वाला रूट देख लेते हैं, A B G O P R S। अब इस पहले वाले में फर्क क्या आ गया कि यहाँ पर Q की जगह अब हमने P ले लिया, तो यानी कि मान के चलते हैं कि P ट्रू था और Q फॉल्स था। तो पहले देखिए इसी नोट की फॉल्स कंडीशन ली और अब इस नोट की ट्रू कंडीशन ले ली, यानी कि देखिए नया डिसीजन आ रहा था, है ना। तो इस वजह से हम इसको दोनों को कंसिडर कर सकते थे। थर्ड वाला देख लीजिए, ए बी सी डी, ए बी सी डी और डी के बाद वी कैन मूव टुवर्ड्स आइदर ई और एफ। तो मैंने अभी एफ ले लिया, एफ जी और जी के बाद सीधे ओ क्यू आर एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे एक नया डिसीजन नोट क्या मिला था, डी, क्योंकि एक नया डिसीजन था, तो दैट्स व्हाई आई कैन आल्सो कंसीडर दिस। ठीक है, अब जरा चेक करके बताइए, ए बी जो आपने स्नैपशॉट लिया होगा उसमें ए बी सी डी एफ जी ओ पी आर एस, ये भी एक मिल रहा होगा आप लोगों को, मिल रहा है क्या? ठीक है, तो अब एक बार आप इतना काम कीजिएगा कि जो आपके पास पॉसिबल सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं इंडिपेंडेंट पाथ, इनको वन बाय वन चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो वो पॉसिबल वेज हमको यहाँ पर मिल सकते हैं इंडिपेंडेंट पाथ, गेटिंग इट, वो चेक कर लीजिएगा। क्लियर, सो एक काफी सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो दिस इज एग्जाम्पल वन, दिस इज एग्जाम्पल टू, ये भी एक देखिए फ्लोग्राफ है। इस फ्लोग्राफ को फिर डी डी पाथ में कन्वर्ट किया लाइक दिस, और इसके आंसर देखिए यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते थे। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो दो तीन एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिल गए हैं डी डी पाथ के। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, जिसकी हेल्प से मैंने ग्राफ देख करके ही बता दिया था कि टोटल इतने इंडिपेंडेंट पाथ मिलेंगे, एंड दैट टॉपिक इज साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 110% फ्यू क्वेश्चन आर बींग आस्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। तो इस पर जितने वो हम नोट्स बना के लिखते थे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक, तो जितने मोस्ट या डबल टिक ट्रिपल टिक जो लगाने हैं वो लगा लीजिए। 110% क्वेश्चन आर बींग आस्ड फ्रॉम साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी। ओके,
इसके जो डिस्कवर कह लीजिए या जिसको उसने रिसर्च प्रपोज की, दैट वाज नोन एज टी जे मैकाबेस. लेट मी राइट हिज So this is the name of the researchers who research to produce proposed cyclomatic complexity. ठीक है, क्यों यूज करते हैं? जस्ट टू फाइंड आउट इंडिपेंडेंट पाथ इन द प्रोग्राम. अब इसमें देखिए तीन फॉर्मूले, मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधे सीधे आपको बताता हूँ कि टू आइडेंटिफाई और टू कैलकुलेट साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ थ्री डिफरेंट फॉर्मूला. ओके, वेयर द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज गिवन एज लाइक दिस. वी जी फॉर एनी पर्टिकुलर ग्राफ इज इक्वल टू ई माइनस एन प्लस टू पी, वेयर ई इज द नंबर ऑफ एजेस, एन इज द नंबर ऑफ नोड्स एंड पी इज कनेक्टेड कॉम्पोनेंट. जल्दी से इस फॉर्मूले को लिख दीजिए, फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्स, इसका जो ग्राफ आपको दिया हुआ है फ्लो ग्राफ, इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है. हरी अब, और जल्दी जब नोट कर ले तो मुझे बताइएगा. देखिए अभी से मैं जो शॉर्टकट मेथड था उसको देख करके बता सकता हूँ. 1 2 3 4 5, है ना, इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी 5 आएगी. ठीक है, हालांकि अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, लेकिन अब इसको हम सॉल्व करते हैं. देखिए कैसे होगा, अब समझ के देखिए, सभी लोग जो सुन रहे हैं ध्यान से समझते चलेंगे. इस फॉर्मूले को समझना बहुत नेसेसरी है, अदरवाइज क्या होगा कि पी की वैल्यू आप हमेशा गलत कर देंगे. ई इज द नंबर ऑफ एजेस, तो जरा देख करके बताइए ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है इसमें. हरी अब जस्ट मेंशन इन चैट बॉक्स टोटल नंबर ऑफ एजेस गिवन इन दिस फ्लो ग्राफ. दीपक बेटा वंस अगेन चेक इट. रिकाउंट 9, यस एग्जैक्टली अभिषेक शुभान जी. ठीक है, तो ई इज इक्वल टू 9. ओके, नाउ चेक द नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं. वेरी गुड, 6. नाउ कम टू द पॉइंट एज पी. पी का मतलब मैंने क्या बताया, कनेक्टेड कंपोनेंट. ये 5 कौन लिख रहा है अभिषेक बेटा, ध्यान से देखो 6 है. पी मीन्स व्हाट, कनेक्टेड, लिख लीजिए कहीं पर कनेक्टेड कंपोनेंट्स. इसका मतलब क्या है कि जब आपको सॉल्व करने के लिए जितने नंबर ऑफ ग्राफ गिवन होते हैं दैट इज नोन एज कनेक्टेड कंपोनेंट. जैसे इस वाले एग्जांपल में आप देख रहे हैं देयर इज ओनली वन ग्राफ, सो दैट मींस द वैल्यू फॉर पी इज 1. ओके, यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्राफ दिया हुआ है. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता कि जहां पर मल्टीपल ग्राफ होते तो जितने नंबर ऑफ ग्राफ होते उतने मेरी पी की वैल्यू हो जाती. अब आप जो बुक में देखेंगे उसमें आपको लगेगा कि हमेशा पी की वैल्यू 1 ली हुई है, कई लोग इसको मिसकंसेप्शन ले ले जाते हैं कि पी इज लाइक कॉन्स्टेंट वैल्यू एज 1, बट दिस इज नॉट द केस. पी की वैल्यू वेरी करती है, डिपेंड्स हाउ मेनी ग्राफ्स आर गिवन, लेकिन वो ज्यादातर एक ही ग्राफ होता है इसलिए पी की वैल्यू आपको ज्यादातर केस में 1 मिलेगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि पी की वैल्यू सिर्फ 1 ही होती है. ओके, तो चलिए, तो अब ई मेरा कितना आया, 9 माइनस 6 प्लस 2 ब्रैकेट में पी की वैल्यू 1. सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा आंसर. देखिए अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने ग्राफ देख करके ही बता दिया था कि इसकी वैल्यू साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, 5 आएगी. ठीक, नोटेबल पॉइंट कि जितनी किसी पर्टिकुलर ग्राफ की साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है उतने ही आपके इंडिपेंडेंट पाथ होते हैं. आई रिपीट कि जितनी किसी पर्टिकुलर ग्राफ की साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है उतने ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ होते हैं, ना उससे एक कम ना उससे एक ज्यादा. गेटिंग इट? तो अब दूसरा ट्रिकी मेथड देखते हैं. तो आई होप ये स्लाइड सबको क्लियर हो गई होगी. देखिए सॉल्यूशन आपका ऐसे ही रहा होगा. गेटिंग इट? देखिए ई इज इक्वल टू 9, एन इज इक्वल टू 6 एंड
पी इज इक्वल टू वन. अब देखिए इंडिपेंडेंट पाथ भी इन्होंने यही फाइव आइडेंटिफाई किए, ना तो फोर है ना सिक्स है. देखिए देयर विल बी फाइव इंडिपेंडेंट पाथ फॉर दिस फुल ग्राफ. ओके चलिए और आगे चलते हैं. अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप पढ़ लें तो अच्छा है, वरना से कुछ बहुत ज्यादा दमदारी है नहीं इनमें. कंसेप्चुअल पर आते हैं. अब एक न्यूमेरिकल ये भी है, देखिए द रोल ऑफ पी इन कॉम्प्लेक्सिटी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन इज वी इक्वल टू ए माइनस एन प्लस टू पी इज रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड करेक्टली ब्ला ब्ला ब्ला. अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, देखिए एक ही के पार्ट्स हैं ये. अगर आप देखें इसको थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा इमेजिन ए मेन प्रोग्राम एम यानी कि दिस वन एंड टू कॉल्ड सब रूटीन्स ए एंड बी. तो यानी कि एक ही प्रोग्राम का पार्ट है ये. मेन प्रोग्राम को पहले वाले नोटेशन से है, देखिए मैं हाईलाइट करता चल रहा हूँ एम और ये रहा एम. ठीक है सब रूटीन्स ए एंड बी, दिस इज ए दिस इज बी हैविंग ए फ्लोग्राफ. तो अब इस फ्लोग्राफ में देखिए ये फ्लोग्राफ इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है हमको, है ना. तो टोटल नंबर ऑफ एजेस नोड्स ये सब देखते चलिए. तो पहले वाले में फोर नोड्स मिल रहे हैं, इसमें फोर नोड्स मिल रहे हैं, इसमें भी हमें फाइव नोड्स मिल रहे हैं लाइकवाइज. तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए लेट अस डिनोट द टोटल ग्राफ अबव द थ्री कनेक्टेड कंपोनेंट्स एज एम यूनियन ए यूनियन बी. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फॉर्मूला तो यही है अभी भी ई माइनस एन प्लस टू पी. अब देखिए पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर थ्री. कैसे थ्री आ गई, बिकॉज वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट ग्राफ्स वन एम ए एंड पी. आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना, कि पी की वैल्यू हमेशा वन नहीं रहेगी, डिपेंड करता है कि कितने ग्राफ के बिना. क्लियर, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं 13 माइनस 13 प्लस ये इतने नंबर ऑफ एजेस और नोट्स रहे होंगे इसमें टोटल काउंट करके, तो वो हमारा ये हो गया वैल्यू इज इक्वल टू 6. ओके अब आ जाइए सब रूटीन. सब रूटीन बेटा कोई भी ब्रांच, जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं ना उसकी कोई ब्रांच है. आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें एक तो मेन फंक्शन है, एक एडिशन का है और एक सबट्रैक्शन का है. तो एडिशन सबट्रैक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज सब रूटीन. ओके जहां भी ब्रांचिंग आप प्रोवाइड करते हैं एक प्रोग्राम में, दैट विल बी नोन एज सब रूटीन. अब ये देखिए जो शॉर्टकट मेथड था उसको समझने के तरीके, लुक एट दीज टू पॉइंट्स, ये समझ जाइए तो आप आंख बंद करके ही विद इन अ सेकेंड आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इसकी इंडिपेंडेंट पाथ कितने हैं. देखें टू ऑल्टरनेट मेथड्स आर अवेलेबल फॉर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशंस. नंबर वन, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी वी जी ऑफ अ फ्लोग्राफ जी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रेडिकेट दैट मीन्स व्हाट डिसीजन नोड्स प्लस वन. इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा कि एक शॉर्टकट क्या हो सकता है कि जितने भी डिसीजन नोड होंगे प्रोग्राम में उससे एक ज्यादा वो मेरी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी. और डिसीजन नोड को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई से, दैट मीन्स पाई प्लस वन, वेयर पाई इज द नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड्स कंटेन्ड इन द फ्लोग्राफ जी. ठीक है, प्रेडिकेट नोड क्या होगा, जहां पर आपके एक से ज्यादा मतलब दो ऑप्शन आ रहे होंगे आइदर ए और बी. ठीक है, वो मेरा प्रेडिकेट या डिसीजन नोड कहलाएगा. सेकेंड केस, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ द फ्लोग्राफ. इसी सेकेंड पॉइंट की हेल्प से ही मैंने आग बंद तो नहीं मतलब देखते ही बता दिया था कि इतने इंडिपेंडेंट पाथ बनेंगे इसमें, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंड पॉइंट. ये क्या है कि जितने आपके नंबर ऑफ रीजन्स होते हैं उतने ही आपका फ्लो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी. ठीक है, कैसे हो रहा है वो भी देखते हैं. आई होप कि आप लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, या नहीं भी पढ़ा है तो 12th स्टैंडर्ड में आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, तो अब उसका कुछ पोर्शन यहाँ काम आएगा. नाउ लुक एट दिस, जरा इन दो पॉइंट्स के बेसिस पर प्रेडिक्ट करके देखिए मैं बताता हूँ. 1 2 3 4 साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी 5. अब पहले वाले फॉर्मूले से देखें और दूसरे फॉर्मूले से देखें, बताइए क्या इसकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी 5 आ रही है या नहीं आ रही है. जल्दी से e माइनस एन प्लस टू पी करिए, देखिए कनेक्टेड कंपोनेंट एक ही है यानी कि p की वैल्यू 1 रहेगी. जल्दी से एजेस काउंट कीजिए, नोड काउंट कीजिए, चेक इट थोरली. जिसने पहला मेथड लगा लिया अब वो दूसरा मेथड लगाए, टोटल देखिए. ओके गॉट इट बेटा,
एजेस इज इक्वल टू 13, चेक कर लीजिए भाई, एजेस 13 आई है एज पर ऋषभ सारस्वत, नोट्स हैं 10, सो 13 माइनस 10 प्लस 2 इंटू 1, तो चेक करिए कितना आना चाहिए आंसर, आई होप 5 ही आएगा जैसे मैंने आपको विद इन अ सेकेंड बता दिया था, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, देखिए आपके पास क्या था, पाई प्लस 1, यानी कि नंबर ऑफ डिसीजन नोड्स प्लस 1। अब डिसीजन नोड कौन कौन सी है, देखिए मैं हाईलाइट करता चल रहा हूं, दिस वन, क्यों, क्योंकि यहां से दो पॉसिबल वे जा रहे हैं, दिस वन, ठीक, और साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एज पर फर्स्ट एंड सेकंड मेथड, इज इट क्लियर, जस्ट रेस्पॉन्ड कि ई माइनस एन प्लस टू पी से कर लिया तो भी फाइव आया, नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड से देख लिया तो भी फाइव आ रहा है, पाई प्लस वन, इज इट क्लियर। एक दो लोग और रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ग्रेट ग्रेट वेरी गुड। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग तीसरा मेथड, जिसकी बेसिस पर मैं हर बार प्रेडिक्ट कर देता हूं, ठीक है, क्या लिखा था, नंबर ऑफ रीजंस इन द फ्लो ग्राफ, ठीक है, या डीडी पाथ जो भी है, तो नंबर ऑफ रीजन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब हम ग्राफ थ्योरी पढ़ते थे तो उसमें रीजन क्या थे, जितने भी साइकिल फॉर्म होती थी वो, यानी कि क्लोज सर्किट जहां बन जाता था उसको हम कहते थे रीजन। फॉर एग्जाम्पल लेट मी पॉइंट इट आउट, दिस वन, अब देखिए ये चारों तरफ से बंद है ना, तो एक साइकिल सी फॉर्म हो गई, तो पहला रीजन मेरा ये हो गया, सेकंड वन इज दिस वन, इन दोनों पर ये क्योंकि लूप लगा हुआ है तो ये आपस में वन से टू, टू से वन ऐसे ही जा रहा है, तो दैट मीन्स ये भी एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, ठीक है, यानी कि क्लोज सर्किट हो गया। लुक एट दिस वन, ये भी एक तरह की साइकिल फॉर्म हो गई, एंड दिस वन, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब क्लोज लूप बन रहे हैं मेरे। लेकिन अगर ग्राफ थ्योरी में आपने पढ़ा हो तो जितने भी क्लोज कंपोनेंट होते हैं वो सब तो कंसीडर होंगे ही होंगे, अलोंग विद दैट वन पॉइंट इज आल्सो कंसीडर्ड एज यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स लाइक दिस आउटसाइड द ग्राफ, तो इसका मतलब अब मेरे कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हो गए, फाइव, काउंट द नंबर ऑफ टिक्स, देख लीजिए 1 2 3 4 5, बस इसी बेसिस पर मैं विद इन अ सेकंड बता देता था कि कितने साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, और जितनी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ होंगे, गेटिंग इट। तो अब ये बताइए तीनों मेथड क्लियर हो गए होंगे सबको, जल्दी से रेस्पॉन्ड करते चलिए, ऑल थ्री मेथड्स आर ओके टू कैलकुलेट साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रेट वेरी गुड। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जरूर आना चाहिए एग्जाम में कि आपको कोई ग्राफ दे दिया और साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी पूछ लिया, कंपेयर करा लिया कि क्या तीनों मेथड से सही आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप अपना टाइम सेविंग के लिए थर्ड मेथड बड़े आराम से अप्लाई कीजिए, जितने कनेक्ट नंबर ऑफ रीजन हैं वो मेरी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है। अब देखिए प्रीवियस वाले पर आ जाते हैं जो हमने पहले मैंने देख करके बता दिया था, अब आप खुद चेक करके बता देंगे यस आई वॉज राइट कि मैंने 7 कैसे बता दिया था, तो इस पे भी चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ भी कोई बात निकलेगी, देखिए यहाँ 7 लिख रहे हैं, अब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और एक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स 7 दे देखिए, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब इससे प्रीवियस वाला जो मैंने देख लिया था वो भी बात देख लेते हैं, अब देखिए ये आपसे स्क्रीनशॉट लिया था 7 है यहाँ पर, 7 कैसे आ गए वो देखते हैं, ये ग्राफ था, लगाते चलते हैं टिक, 1 2 3 4 5 6 7, बस ऐसे बता दिया मैंने कि ये 7 आएंगे, तो जल्दी से रेस्पॉन्ड करिए, समझ में आ गया है तो, वेरी गुड, देखिए कितना सिंपल था और 110% यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है ये मान के चलिए, तो चाहे वो थ्योरेटिकल हो या ग्राफ के बेसिस पर आपसे पूछ लें, तो ये तो किसी का गलत होना नहीं चाहिए,
ठीक है जी, तो यहाँ तक हम कर चुके। अब देखें एक और ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए अब इसमें ये देखिए फाइव कैसे आ रहे होंगे, जल्दी से चेक करिए, फाइव आ रहे हैं क्या नंबर ऑफ रीजन से? चेक कर लें बेटा, देखो जल्दी से, जिसकी समझ में नहीं आया वो एक बार और देख लें। टोटल नंबर ऑफ रीजन्स 1, 2, 3, 4 और एक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स 5। ठीक है, जितने भी क्लोज सर्किट बन रहे हैं वो सारे पॉइंट और एक ग्राफ के लिए बाहर, बन गए मेरे? ठीक है, अब अगला वाला देखें जरा। ये एक न्यूमेरिकल बीच में आया था ये वाला, इसमें देखिए आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, ई माइनस एन प्लस 2 पी से। अब उसे चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ रीजन से, जरा चेक करिए 6 आ रहा है क्या आप लोगों का, जल्दी से बताएं इसमें 6 आ पा रहा है क्या? नहीं आ रहा, वेरी गुड। आएगा, देखिए कैसे आएगा, 1, 2, 3, ठीक, 1 फॉर दिस 1, 1 फॉर दिस 1, 1 फॉर दिस 1, तीनों तीन ग्राफ हैं, क्योंकि जब आपने कनेक्टेड कंपोनेंट पी की वैल्यू 3 ली है सो दैट मींस 3 ग्राफ आर देयर, तो तीनों ग्राफ के लिए अलग अलग यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। अब देखिए नंबर ऑफ टेक्स 6 आ गए होंगे, ठीक है, ग्रेट। तो देखिए इतना ही था अब सिलेबस में, है ना, ये हम देख ही चुके हैं, ये देखिए वो सॉल्यूशन वही आ गया, इसी का सॉल्यूशन जो भी हम कर रहे थे। देखिए तीनों ई माइनस एन प्लस 2 पी, 5 प्लस 1 एंड नंबर ऑफ रीजन 5। ओके, तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए अब किसी को। बाकी सब तो यही है। अब ये ग्राफ मैट्रिक्स है, इसमें हम कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्चुअली मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तो मैट्रिक्स बनाए कि आप कैसे, है ना, ऑनलाइन मोड पर, सो दैट इज डाउटफुल, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अच्छा इसमें देख लीजिए। अब चलिए ये ग्राफ आ गया आपके सामने, बताइए साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, जल्दी से रेस्पॉन्ड करें। ऋषभ बेटा फिर से चेक करो। दीपक, ओके वेरी गुड, हाँ अभी अच्छा ऋषभ फिर से चेक करो। हाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, अब आगे कहीं इसका सॉल्यूशन ग्राफ मैट्रिक्स से है, लेकिन ठीक है हम चेक कर लेते हैं कि वो 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए 6 प्लस 1, ये 7 आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है, तो 7 साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है। अब ये मेथड मैं आपको सिर्फ इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसको ड्रॉ करने मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, तो कोई पॉसिबल वे है नहीं मैट्रिक्स बनाने का वहाँ पर, ठीक है। एनीवेज अगर क्वेश्चन आएगा तो देखिए इन तीन मेथड से जरूर आना चाहिए और वो तीन आपको पता हो, लाइक कहाँ थे, या भी दिए हुए हैं वैसे तो, लाइक दिस, है ना, तो ये तीनों मेथड आपको पता होने चाहिए, तो याद रखिएगा तीनों फॉर्मूला। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टेस्टिंग। आगे जो है ये सब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको देख लीजिएगा, है ना, ये आपके में है नहीं डेटा फ्लो टेस्टिंग, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, नो इश्यूज एट ऑल। इसके लास्ट में ये मैंने आपको पहले बता दिया है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग। देखिए जब इंडिविजुअल अलग अलग मॉड्यूल हैं तब वो यूनिट टेस्टिंग है, देखिए सारे अलग अलग मॉड्यूल्स, ये देखिए सब अलग सेपरेटेड हैं, जब कुछ मॉड्यूल्स कनेक्ट हो गए, इंटीग्रेट हो गए, तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, और जब सारे मॉड्यूल्स आपस में इंटरकनेक्ट हो चुके हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे, देन इट इज़ नोन एज सिस्टम टेस्टिंग। ठीक, बस ये छोटी सी चीज़ है, ये हाउएवर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बाकी एक चीज मैं बस शो करना चाह रहा था आप लोगों को, यस ये एमसीक्यूज हैं, बड़े फेयर अमाउंट में है ये एमसीक्यूज, इनको जरूर देखते रहिएगा क्योंकि प्रोबेबली कुछ क्वेश्चन शायद यहाँ से भी आ जाए, है ना, क्योंकि देखिए पेपर मेरा नहीं है, सो आई कैन से, है ना, लेकिन यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट फ्रॉम हियर एज वेल। ओके, देखिए काफी सारे क्वेश्चन है और ये मैंने टेस्टिंग की भी शेयर कर दी है आप लोगों को,
रिलायबिलिटी की भी है और मेंटेनेंस की भी है. तो यू नाउ यू हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस. देखिए 50 क्वेश्चंस तो यहीं से टेस्टिंग से ही. इसके अलावा ये देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, तो शायद यहाँ से कुछ बन जाए, है ना. तो ये देखते चलिएगा. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. वंस अगेन रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेंस इज अप टू यू बिकॉज इट इज लाइक थ्योरेटिकल पार्ट. वन मोर सजेशन इज देयर कि मेरे एंड से तो मैंने अपनी कोशिश कर ही ली है एज मच एज पार्ट शुड बी कवर्ड. प्लीज चेक इन रेस्ट ऑफ द सेक्शंस कि अगर वहाँ पर कोई अलग स्टडी मटेरियल हो, कुछ नोट्स हों, कुछ यूट्यूब के लेक्चर्स हों, अगर वो उनको भी प्रोवाइडेड हैं जो शायद मैं नहीं दे पाया आप लोगों को, तो वो कलेक्ट करके रखिएगा क्योंकि एग्जाम आपने देना है, मैंने नहीं. ठीक है ना. तो दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. मेरे पास जितना कम मैटर था वो मैंने सारा आपके साथ शेयर किया हुआ है ऑलरेडी. ठीक है. लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है, मान लीजिए किसी सेक्शन में कुछ स्पेशल कुछ दे दिया किसी कंसर्न फैकल्टी ने, तो वो प्लीज आप अरेंज कर लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड सर्कल सबका आपका है ही है. तो अब कोई दिक्कत नहीं है, वो नेट के थ्रू मंगा लीजिए, व्हाट्सएप या मेल पर, जैसे भी पॉसिबल हो. वो मटेरियल आपके पास होना चाहिए. ओके. सो दिस इज प्रोबेबली द लास्ट लेक्चर. आई एम नॉट श्योर कि अगर मैनेजमेंट कहता है कि 1 वीक और चलती है बाई चांस, देन वी विल गो फॉर, अदरवाइज दिस इज ऑफिशियली लास्ट लेक्चर. सो विश यू गुड लक. I hope you will perform very well in examination as well. Okay. So and time is also there. So this is end of the session. If any query is there, then you can ask, please. So as there is no query from your side, so let me end this meeting. Wish you good luck once again. Take care.